जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। युवा लड़की ने राम मंदिर और मोदी पर उगला जहर तो युवक ने लगा दी क्लास, लोकसभा इलेक्शन 2024। बहुत सारे लोग ये राम मंदिर और मोदी के विरोधी काम कर रहे हैं, मतलब नारा लगा रहे हैं उसके विरोधी है। कोई दिक्कत नहीं भाई, विरोध करना सबका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक पर्सन का विरोध करने के साथ साथ देश का विरोध मत कर देना। चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास के नाम पे अगर पूछ लिया जाए तो किसी के पास कोई पता क्या रहेगा? राम मंदिर बनवा दिया, बाबरी मस्जिद की जगह दे दी, धार्मिक बात हो गई। अरे मैडम क्यों नहीं धार्मिक बात होगी? अब तो ये तो जो जिसने कहा था वो धार्मिक नहीं था। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बना है ना ग्रुप, ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बना करके दिल्ली में दंगे कराए गए थे। जब महिलाएं सड़क पर लोटा लेके जा रही थी वो आज बंद हो गया, इनको नहीं दिख रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट, पटना में एम्स, ये नहीं दिखा। आज हर घर जल योजना आ गया, इनको दिखा ही नहीं। आज हम सुबह में फोन से नंबर लगाते हैं, शाम में गैस सिलेंडर मिल जाता है, ये तो दिख रहा है ना आपको। 11,000 और 1200 का सिलेंडर कर दिए। आज मेरी सैलरी 50,000 के आसपास है और मैं वो सिलेंडर 900 रुपए ले। इन्होंने कहा कि सिलेंडर अभी 950, अगर अभी के अभी आप बिल यहाँ पे दिखा देते 950 का। ये देखो ये 903 रुपए में आजकल आ रहा है सिलेंडर। क्या 2024 में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे या हट जाएंगे? वही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? सरकार भी तुम्हारी है, सरताज भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। पूरे इंग्लैंड, जापान, जितने भी बड़ी कंट्री है, जितने भी जो भी कंट्री डेवलप्ड है, उनके में आप वो स्टडी का टैक्स जानते कितना है? कोई टैक्स नहीं है। इंडिया में पढ़ाई का टैक्स पता है कितना आपको? 18%। किस लिए? क्योंकि पता है अगर बच्चा पढ़ जाएगा ना यहाँ का तो यहाँ के लोग समझदार हो जाएंगे, इसीलिए इतना ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। अगर बात करते हैं ना आपकी नारी शक्ति बढ़ रही है तो कभी जाके आइए कभी नॉर्थ कैंपस और वहाँ का देखिए। PhD करी हुई स्टूडेंट ना 5-5 साल वेट करती है जॉब के लिए, फिर ये लोग ये एलिगेशन लगाते वो इलिजिबल नहीं था इसलिए उसको जॉब नहीं मिली। इलिजिबल था, लेकिन ये जो सीट है ना ये किस तरीके से हड़पी जा रही है। अगर आप बात करें ना देश में विकास का, तो विकास मैं कह रही हूँ हर एक बंदे के बाद में, आपने किसी को मारना हो ना, किसी को मारना हो तो उसको चाटा मत मारो, उसको मेंटली टॉर्चर कर दो, वो बंदा वहीं मर जाए। मोदी सरकार में देश बर्बाद हो गया, बहुत गंदा। ये भी नारी हैं, ये भी कह रही हैं। देखिए मैंने भी PhD करी है, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मेरे को तो कहीं जॉब की कहीं कोई कमी नहीं दिखी, मेरे को कोई काम की कमी नहीं दिखी है। अब मैं किसी की योग्यता पे यहाँ प्रश्न नहीं करना चाहती, लेकिन इनका अपना इनका अभिव्यक्ति की आजादी है, इनको इनको पूरा। मैंने मैंने बिना टैक्स के सिर्फ पढ़ाई करी है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ इसी में, और मैंने बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस इज वेरी इकोनॉमिकल। दिल्ली यूनिवर्सिटी का GST बता दीजिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। पढ़ाई का टैक्स पता है? नहीं नहीं आप बताइए यूनिवर्सिटी में कितना परसेंट लग रहा है आपको? 80% टैक्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टैक्स 80% लग रहा है। वो क्या बोलते हैं, क्या कह रही हैं? GST दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80% GST लग रहा है। 18% GST परसेंट किस सब्जेक्ट में? सभी सब्जेक्ट में 18% GST। देखिए मैं बता देता हूँ, प्राइवेटाइजेशन जहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन है वहाँ पर टैक्सेस की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और ये टैक्स आज से नहीं है, जब से शिक्षा में मैंने जब 2009 में आप कर रही थी ना कब, मैंने 2009 में जब मैं सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी मैं टैक्स देख करके कर रहा था, वो बिल एक बनता था 22,000, लेकिन इतना रुपए और इतना टैक्स। BSJAY दिशा दिल्ली, ये हमारी हमारे ना कॉलेज का ग्रुप है, जिस ग्रुप में 3 तारीख को जिस टाइम पे 3 तारीख को ना इसी 3 तारीख को स्टूडेंट रैली निकले के आएगी, कर्नाटक से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सारी। मेरे को एक बात बताइए कि हमारे देश में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरी बात सुन, कौन सा ग्रुप है? पहले मेरी बात व्हाट्सएप ग्रुप, मेरी बात सुन लीजिए पहले, अगर बोलने की हिम्मत रखते तो सुनने की भी हिम्मत रखिए, उसके बाद बात करिए। ये ग्रुप बना क्यों और इस ग्रुप में कोई भी ऐसी फालतू की बकवास नहीं है, इसमें वही है स्टूडेंट के अगेंस्ट जो भी चीजें हो रही है ना स्टूडेंट को। अब एक बात बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे खालसा कॉलेज है, इतने सारे कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस है आपको उसके वहाँ का जाकर आंकड़ा देखेंगे ना, आर्ट्स फैकल्टी में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं आप मुझे बताइए। 24 आवर्स की जो आर्ट्स फैकल्टी ऑन की गई है वो कब की गई है, किसने की है?
पता है आप लोगों को, आप लोग सिर्फ दो तीन मुद्दे को लेके बिल्कुल ऊपर ऊपर कर देते हैं, जो मेन मुद्दे है ना मेरे को, आप तो पत्रकार है भाई साहब, आप मुझे बताइए ना कि दिल्ली में सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद के अलावा या हिंदू मुस्लिम के अलावा आप बताइए कि कौन सा ऐसा नेतृत्व है, नीतू बिष्ट को अभी तक न्याय नहीं मिला, कितने महीने से बैठी हुई है वो लड़की, वो एक PhD स्टूडेंट थी वो। एक बात, आपने राम मंदिर, आपने खुद ही, हम तो अभी पढ़ाई पे चर्चा कर रहे थे और विकास पे चर्चा कर रहे थे, राम मंदिर आपने ही छेड़ा है, तो राम मंदिर जो 500 वर्षों से अटका हुआ मुद्दा था वो खत्म हो गया, इससे आप संतुष्ट नहीं है, इससे आप खुश नहीं है, मेरी बात सुनिए अब, मतलब लड़ाई चलती रहनी चाहिए। मैं इस चीज से खुश हूँ कि राम मंदिर बना, मुझे इस चीज से मेरी बात सुने पहले, राम मंदिर बना ये अच्छी बात है, राम मंदिर को ले, अब मेरी एक बात समझिएगा, राम मंदिर के मुद्दे को देखिए, 500 मीटर का दिया लाया, एक क्वेश्चन हो गया, 500 मीटर का दिया चार लोग लेकर आए, दूसरा क्वेश्चन हो गया, 500 मीटर का दिया छह लोग उठा के लेकर आए, भाई 500 मीटर का दिया आ गया, मुझे पता चल गया, इससे ज्यादा उसी चीज को घुमा फिरा के क्वेश्चन, फिर वहां से घुमा के वही क्वेश्चन, वहां से घुमा के वही क्वेश्चन, इससे जो बंदा होता है ना मेंटल डिस्टर्ब होता है, उसके माइंड में सिर्फ वही, मैं कह रही हूँ वो चीज दिखाओ, वो चीज दिखा रहे हो, अच्छी बात है, राम मंदिर के हम सपोर्ट में है कि राम मंदिर बन रहा है हमारे देश में कोई अच्छी चीज, लेकिन जो आउटसाइडर और भी तो मुद्दे हैं उनको भी तो दिखाओ, बिल्किस बानो का केस का क्या हुआ, इतने सारे लोग रेप कर गए, पूरे घर को मार गया, आपको पता है क्या मणिपुर का अभी भी रिजल्ट आपको पता चला क्या, क्या हुआ देशबंधु कॉलेज, ये क्या बोलते हैं जो आर्ट्स फैकल्टी के पास इतने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं उसका पता है क्या, 3 तारीख को जो कर्नाटक से यहाँ पे लड़कियां, उत्तर प्रदेश से लड़कियां रैली निकालते हुए, वो लड़कियां नहीं है, स्टूडेंट है, छात्रा है हर कॉलेज की, वो निकाल रही है, वो सारी बेवकूफ है, जितना भी चीजें आप बताइए इसका निवारण क्या, निवारण यही है कि आप मीडिया हमारे दिमाग में ना सिर्फ 2-3 टॉपिक भर के रखी है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, विकास के नाम पे अगर पूछ लिया जाए तो किसी के पास कोई पता क्या रहेगा, 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, बाबरी मस्जिद की जगह दे दी, विकास के नाम पे यही बातें चिपकाए, फिर कहते हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ एजुकेशन के मामले में, मुझे किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक ने ना एक बात कही थी कि अगर किसी को लड़ाना हो या किसी को मुद्दों से भटकाना हो तो उसको मंदिर, मंदिर और मस्जिद के उसमें जकेड़ लो, वो बंदा अपने आप अपनी उससे हट जाएगा। चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव इस बार विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा, 10 साल में कुछ विकास हुआ है कि नहीं अमित जी? अगर विकास के मुद्दे पे लड़ा जाता ना, हाँ, अगर एक मिनट आपको जवाब दे दूं, इतना नॉन स्टॉप इन्होंने कहा, इनकी तकलीफ राम मंदिर के दिए से हो सकती है, लेकिन पूरे विश्व में जहाँ भी दो रिलीजियस क्लैश, ये आप थोप रही हैं, इन्हें अगर महिला और तकलीफ है तो राजस्थान का इन्होंने नाम नहीं लिया जहाँ पर महिला को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो कहती है, मुस्लिम महिला को सड़क पर मारा जाता है इसलिए उनका नाम इन्होंने नहीं लेंगी, वो कहती है मैंने BJP को वोट किया है और BJP का झंडा लगाते हैं, उसको सड़क पर खींच के जाता है, लेकिन इनका महिला मातृत्व नहीं जगता है। छत्तीसगढ़ में आपने नाम तक नहीं लिया, आपने उत्तर 4 स्टेट गिनाए जहाँ पर BJP की सरकार है और आपने राम मंदिर को चर्चा में लेके आया, देश में चर्चा नहीं थी। छत्तीसगढ़ में एक ड्राइवर उसका सरकारी अधिकारी है जो मुख्यमंत्री के करीबी थे, उन्हीं के लोग डिप्टी कलेक्टर बन गए, इतना आंदोलन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, एक बार इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। व्हाट्सएप की बात करते हैं और मीडिया की बात करते हैं, इन्होंने दिखाया कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया इन्होंने, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप दिमाग भ्रमित हो रहे हैं, मीडिया नहीं, TV बंद कर दो, मीडिया नहीं दे, अगर मुझे तकलीफ होती है आपकी बातों से मैं TV बंद कर दूंगा, अच्छा। लेकिन ये कहना कि समाज को क्यों बुलाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इनको तकलीफ यह है कि 2024 जो इतने वर्षों तक पूरे विश्व में जहां जहां भी दो धर्मों की लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या ही एक मसला है जो समाप्त हुआ है, ये अचीवमेंट बता दो ना। दिक्कत इस बात से भी है कि विकास के नाम पे सिर्फ राम मंदिर गिनाया जा रहा है और धारा 370 गिनाया जा रहा है, ठीक है, 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय, मुझे शर्म आता है इस देश के, अच्छा इनको दिखाने के लिए मैं कहता हूँ चलो अब गाँव, अब देखो ये दिखना दिक्कत आ रही है, मैं दिखा देता हूँ, हाँ अब बोलने दोगे, अब बोलने दोगी, अब सुन लो, जब महिलाएं सड़क पर लोटा लेके जा रही थी वो आज बंद हो गया, इनको नहीं दिख रहा है, जब हमारे घर में आर्सेनिक का पानी आता था, आज हर घर जल योजना आ गया, इनको दिखा ही नहीं, तो बताइए दिख भर में देश की मीडिया कर रही है या इनका व्हाट्सएप ग्रुप कर रहा है जिनका ये नाम ले रहे हैं, ये हमारे चांदनी चौक की वीडियो है जहाँ पे हजारों लोग रोड पे डेली
40 हो रहे हैं, क्या कहिए? मुझे इस बात पे बता दीजिए, इस देश की सच्चाई 140 करोड़ है, और मैंने तो तब भी देखा है जब सलमान खान की गाड़ी चल जाती थी, उस समय मोदी जी नहीं थे। और इस देश में सड़क पर सोने वाला 47 में जब नेहरू जी वो ब्रिटेन में हवाई जहाज से घूमते थे ना भाई, देश की जनसंख्या 140 है, 11 करोड़ लोगों को घर मिला है, शौचालय मिला है। तुम क्या चाहते हो? 70 वर्ष जो निकम्मे थे उनको हटा करके जो था आपको, मुझे लगता है यू आर नॉट ए स्टूडेंट। अगर आपको दिखता नहीं है तो जस्ट यहाँ से करनाल प्लेस निकलो और जाओ उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं बताता हूँ भागलपुर जाओ, अब वहाँ पे आपको देखना चाहिए। आपको देखना नहीं, यहाँ मिलता मेरे घर में हर घर जल निकला है। कौन सा पंचायत है आपका बताइए, आप बताइए ना, मैं बता रहा हूँ भागलपुर नाथनगर रामपुर खुद पंचायत, मेरे घर पर हर घर जल योजना मिला, आप बताइए कौन से पंचायत में नहीं मिला है? मैं अभी फोन करके पूछता हूँ मिला या नहीं इनको। आपके घर आपको हो सकता बहुत पैसे वाले होंगे, मैं गरीब हूँ मुझे मिला है। अच्छा मैं कह रहा हूँ नहीं मिला तो आप पता करो ना क्यों नहीं मिला। अच्छा दरभंगा में एयरपोर्ट, पटना में एम्स, ये नहीं दिखा आप? नहीं नहीं मैंने कह दिया घर घर जल लो, मेरे घर में नीला, मेरे घर आ जाओ, वही चीज। नहीं मेरा जो रिश्तेदार है ना इधर, सुनो पटना में एम्स इनको नहीं दिखा, पटना में एम्स नहीं बना है, पटना में एम्स नहीं बना है, पटना का एम्स दिखा कि नहीं दिखा? पटना दरभंगा में एम्स नहीं बना है, अभी अलॉट हुआ, पटना का एम्स आपको नहीं दिखा, देवघर का एयरपोर्ट नहीं दिखा? अच्छा एक सेकंड, पटना में एम्स नहीं बना है, पटना में, अरे यार अब मैं जीके में ये पूछा जाएगा कि पटना का एम्स कब बना यार? देखो जो पटना में एम्स नहीं है उन्हें दिखा नहीं सकते, जो देखना नहीं चाहते उन्हें दिखा नहीं सकते। मैडम आपने ये तो देखा होगा, रुक जाइए मैम, दो मिनट का समय दीजिए। अच्छा एक सेकंड, आपकी बात लोग सुन रहे थे ना, तो आप थोड़ा सा सुनने के लिए रुक जाइए। आपने ये तो देखा था ना कि गैस सिलेंडर के लिए आपके घर वाले पापा लोग होंगे बड़े भाई लंबी लाइन लगाते थे, जाते थे गैस एजेंसी के पास और कहते थे गैस का नंबर लगाना, वो कहता था 7 दिन बाद आएंगे, ठीक है 7 दिन तक हम लोग इंतजार करते थे कोयला में या केरासन में। आज हम सुबह में फोन से नंबर लगाते हैं, शाम में गैस सिलेंडर मिल जाता है, ये तो दिख रहा है ना आपको? 11,000 और 1200 का सिलेंडर कर दिए, बात तो 700-400 की हुई थी, अब पहले इनको दिखा नहीं था। देखो आज जो है ना भाषा से ये समझ में आ जाता है कि आपके विचार क्या है। आपको नहीं दिखा, 15,000 मेरी सैलरी थी 2014 में और मैं 700 रुपए का 750 का सिलेंडर लेता था, आज मेरी सैलरी 50,000 के आसपास है और मैं वो सिलेंडर 900 रुपए ले रहा हूँ। मैं 900 नहीं, मैं मुझे वैक्सीन, पहले मुझे पॉक्स का वैक्सीन 10 वर्षों के बाद लगा था, आज मुझे 1.5 साल के अंदर लग गया, बताओ ये भी इन्हें नहीं दिखा? जो सावन के अंधे को हरियाली दिखती है और कांग्रेस राज में जो लोग सो गए थे उनको कभी विकास नहीं दिखता। सर एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि सिलेंडर अभी 950, अगर अभी के अभी आप बिल यहाँ पे दिखा देते 950 का, एक सेकंड, अभी के अभी ये देखो, ये 903 रुपए में आजकल आ रहा है सिलेंडर, आपने रिक्वेस्टेड आप लोगों ने पेड किया है? मेरा ये भाई मैं पे करता हूँ, मैं ही ऑनर, मैं अपना परिवार चला रहा हूँ। मतलब आप अपने परिवार में रहते हैं या नहीं रहते ये बताइए, आप कह रहे थे गैस सिलेंडर का रेट ही नहीं पता? मैंने खुद लिया है, मैं जिस पीजी में रहती हूँ ना वहाँ 1100 रुपए का सिलेंडर मैं हर महीने लेती हूँ। कौन सा वो कमर्शियल आया होगा? कमर्शियल नहीं, घर वाला सिलेंडर। अच्छा एक बात बताइए, क्या 2024 में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे या हट जाएंगे? वही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? सरकार भी तुम्हारी है, सरताज भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। और लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है कि हम लाइन में लग करके वोट करके वोट लाएंगे तो ये लोकतंत्र, ये कांग्रेस पार्टी की बात। आई बिलीव ऑन दिस लोकतंत्र संविधान, आई रिस्पेक्टेड, मैं संविधान को बिलीव करती हूँ, संविधान को मानती हूँ, लेकिन संविधान को ना मानने वाले लोग ही बीजेपी के। आपको एक बात बताइए, बीजेपी की एक संस्थापक है, वो पता नहीं एक महिला थी, उन्होंने कहा है कि जो 99 साल के ना लीज पे आजादी जो है, आजादी नहीं है, 99 साल की लीज पे ली गई आजादी है, ठीक है? नहीं नहीं एक सेकंड, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं भैया, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं कहाँ से ग्रुप, कोई भी बोले, क्या भी बोले, मैं आपको बता रही हूँ कि वो मुंह से बोल रही है, पूरे
फेस पे बोल रही है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। 99 साल की लीज पे लिया गया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर मेरे घर के बाहर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो उसको रोजगार। राहुल गांधी के न्याय यात्रा को कैसे देखते हैं आप? न्याय यात्रा अगर वो फैक्ट है या वो सही है, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूं या मैं किसी पार्टी को सही या गलत कंसीडर, लेकिन जो बीजेपी जिसने भी अपने वादे को तोड़ा है मैं उन सबके अगेंस्ट हूँ। मतलब न्याय यात्रा पे विस्मयादिबोधक चिन्ह और बीजेपी के सारे कामों पे एकदम बिल्कुल फुल स्टॉप। यही तो देखो आपके बोलने का तरीका, देखो आपने पता क्या बोला, बीजेपी के जो सारे काम है ना उन सब पे आप क्या कह रहे हैं कि गलत साबित कर रहे हैं। आपने ये बात खुद बोली, तो आप अगर यदि सेट हो जाएगी। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं आप पूछ नहीं रहे, पूछने का भी एक तरीका होता है जो आपको बेटर पता होता है और आप जो दिखाएंगे वो मंदे के माइंड में सेट हो जाएगा। अरे क्या आप बताते हो मीडिया का स्वर्णिम काल कब था? मैडम सुन लो, आपसे उम्र में बड़ा हूँ, अब सुन लो, मीडिया का स्वर्णिम काल कब था पता है? जब बरखा दत्त तय करती थी यूपीए सरकार में मंत्री कौन होगा। जब मीडिया का स्वर्णिम काल कब था? अरे प्लीज जाना नहीं है, अब सुन तो लो, यू आर ए स्टूडेंट, आप प्लीज दो मिनट। राजदीप सरदेसाई कहते थे सोनिया जी आपको रोटी बेलना या दाल बनाना आता था तब मीडिया का स्वर्णिम काल था। मीडिया का स्वर्णिम काल कब है? कि राहुल गांधी ने नया कुत्ता खरीदा, ये देख लो आप लोग सर्च मारो, सारे मीडिया ने छापा कि राहुल गांधी ने कुत्ता खरीदा। मीडिया का गलत मीडिया का ये था कि जब देश विरोधी नारे लगे तो देश के मीडिया ने कहा यह डॉक्टर्ड वीडियो है। जब इस देश में चंद्रयान पहुंचाया गया तो कहा गया कि क्या पता फेक हो। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो कुछ मीडिया वालों ने स्पेस दिया उनको, जो कहते थे सबूत लाओ आर्मी वालों से, तो वो मीडिया का स्वर्णिम काल था। वो मीडिया का स्वर्णिम काल था जब 2G 3G वालों को, और यहाँ तक कि आप सब सर्च करना, इस देश में अफजल गुरु का इंटरव्यू जब मीडिया लेता था एक आतंकवादी को बिठा के और आतंकवादी वहां पे कन्फेस करता था, तब वो मीडिया का स्वर्णिम काल था। और मीडिया का स्वर्णिम काल तब था कि इंदिरा इज आकाशवाणी इज इंदिरा वाणी जब था तब मीडिया का स्वर्णिम काल था। प्रश्न यही है कि आज अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपने सनातन एक डेंगू मलेरिया है क्यों कहा, कहेंगे ये देखो मीडिया हमारे खिलाफ है। मतलब सनातन को डेंगू मलेरिया कह दे ये और हम चुप हो जाएं। ये कहा, और किसी ने कहा कि भाई राम कभी पैदा ही नहीं लिए, कहा ये उनका व्यक्तिगत कमेंट है। अरे व्यक्तिगत कमेंट करते हुए तब देश को, तब इंसान को मेंटल नहीं हुआ कि जिसको मैं पूछता आ रहा हूँ, जिनकी मैं आराध्या करता हूँ, उनको क्या गया? अरे धार्मिक बात हो गई, अरे मैडम क्यों नहीं धार्मिक बात होगी? अब तो ये तो जो जिसने कहा था वो धार्मिक नहीं था। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बना ना ग्रुप, ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बना करके दिल्ली में दंगे कराए गए थे, इसलिए मैडम ये मत कराओ व्हाट्सएप ग्रुप। खैर आप बात कर रहे थे विकास की, इनको विकास की बात जब करने लगोगे ये भागने लगेंगे। इन्हें आज तक नहीं दिखा एक शौचालय, इन्हें एक एम्स नहीं दिखा, एक एयरपोर्ट नहीं दिखा, तो ऐसे लोगों ही मानसिक इनको मीडिया नहीं बीमार कर रहा है। इन लोगों को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलता है चाइना के पैसे से वो बीमार कर रहा है ऐसे लोगों को। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बकवास थी मैडम की सारी बातें। देखो मेरे को कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बातें जितनी भी थी वो सारी की सारी बातें बकवास थी। हालांकि देखो भाई बोलने का सबको अधिकार है, उसमें भी कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अधिकार का गलत इस्तेमाल मत किया करो। उन्होंने बताया क्वेश्चन, हाँ भाई न्यूज मीडिया करती है ऐसा, मतलब बताते है ना वो कुछ 5 मिनट में 100 न्यूज 10 मिनट में वो तो ठीक एंटरटेनमेंट के तौर पे इसमें कहाँ गवर्नमेंट आई। मैं वही बोलू, उसने बोला 500 मीटर का दिया क्यों बना फलाना ढिमकाना, चलो भाई वो मीडिया में था, वो मीडिया का काम है, मीडिया उसके हिसाब से कर रही, उसमें गवर्नमेंट कहाँ से आई भाई। वो तो मीडिया कर रही है, करने दो ना आप, वहां पे क्वेश्चन करो प्रॉब्लम हो तो। दूसरी बात एजुकेशन पे टैक्स, बेटा एजुकेशन पे टैक्स जो है प्राइवेट सेक्टर में पहले से है। हाँ, पहले से, अभी रिसेंटली नहीं लगाया। तो मोदी जी ने GST नहीं लगाया, पहले टैक्स था, बहुत सारे प्रकार के टैक्स थे, उस बहुत सारे प्रकार के टैक्स को एक में कन्वर्ट कर दिया, वो है GST, जिसको हम बोलते गुड्स
एंड सर्विस टैक्स, ठीक से, तो ये हुआ है। और प्राइवेट सेक्टर में टैक्स होना बहुत जरूरी है, और रीजन यही है, आपको टैक्स नहीं चुकाना है, आपको टैक्स में प्रॉब्लम है, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कौन सी गवर्नमेंट स्कूल में टैक्स आपको भरना पड़ता है, तो जाइए ना पढ़ो ना, तो गवर्नमेंट इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर में टैक्स लगा रही है ताकि लोग गवर्नमेंट सेक्टर का यूज करे, इस्तेमाल करे। भाई हमें तो सारी फैसिलिटीज चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, इसीलिए तो हम जा रहे हैं ना, क्यों जा रहे हैं, फैसिलिटी के लिए, बाकी एजुकेशन दोनों जगह पैसे हमें कोई डिफरेंट नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें फैसिलिटीज चाहिए। वो मैडम थी वह उस पीएचडी, उसको पता चला कि ये सारी बातें बकवास है, थोड़ा बहुत बोल के निकल लिया मैडम ने, उसने बोला भाई मैं गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ी हूँ, पीएचडी हूँ, मेरे को कहीं पे भी रोजगार की कमी नहीं दिख रही है, इनको दिख रही है बाबा। तो ऐसे ही देखो, अभी उसको पूछेंगे ना आपने कभी वोट किया, नहीं दिया होगा वोट, पहले तो मैं जो भी पत्रकार भाई और बहनों है जो काम कर रहे हैं मीडिया में, उसको मैं किसी जिस किसी को भी वोट के बारे में पूछने जाओ ना, अभी कई सारे पत्रकार हैं वो पूछते हैं कि भाई आप वोट कर रहे हो, तो भाई सभी पत्रकार पूछो कि भाई आपके पास वोटर आईडी है और आप वोट करने जाते हो, ठीक है, वो पहले पूछ लो। इन मैडम को एक दो चीजें दिख दी, मतलब बस सरकार की गलती, भाई आप सब कुछ सरकार नहीं करती है, हमें आवाम को भी बहुत कुछ करना होता है, आप सब कुछ सरकार पे मत थोपो, हमने बहुत इस सरकार में चेंजेस देखे हैं, हमने हमारी इतनी एज के अंदर अभी जो बदलाव देखे लास्ट 7 ईयर में वो हमने कभी नहीं देखे, ये भाई हम बोलते हैं, हम यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट का बढ़ावा नहीं कर रहे, लेकिन जो सरकार काम करती है उसका बोलना बहुत जरूरी है, हम उसके लिए विरोध कर सकते हैं तो उसके कामों का भी हमें बात करनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ है पहले से, इतना तो मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। और ये मैंने पहली बार ऐसा सुना कि भाई कि गवर्नमेंट सॉरी एजुकेशन में जो टैक्स लग रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, तो बेटा वहां पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा ना तो फिर एक एजुकेशन माफिया पैदा हो जाएगा, अभी ऑलरेडी है, जिसको कंट्रोल सरकार भी नहीं कर सकती, हमें आवाम को करना पड़ेगा। रीजन क्यों है कि भाई हमें हमारे बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज हो वैसे स्कूल या क्लासेस में हमें भेजना है, जैसे कि आप समझ लो कि खान सर के बारे में आपने सुना होगा, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, वहां पे फिजिकली भी ले सकते हो एजुकेशन, और उसका यूट्यूब चैनल है वो पूरा फ्री है, लेकिन नहीं हमें तो खान सर वहां पे फ्री में पढ़ा रहे, फी मतलब माइनर फी है, फीस है, और कई कई बच्चों के तो फीस भी नहीं लेते खान सर, माइनर फीस लेनी पड़ती है, उसके पास भी टीचर बहुत सारे हैं, उसको पे करना होता है सैलरीज वगैरह, ठीक है, और क्लास चलाने का मेंटेनेंस वगैरह, आपको जो फैसिलिटीज आए ना ठंडी हवा वगैरह उसका जो मेंटेन करना, तो उसके लिए नॉर्मल फी लेते हैं, और उसके लेकिन बच्चों को वहां नहीं पढ़ाना है जहां पे प्राइवेट और कोई क्लास हो, भले घटिया क्लास एजुकेशन हो वहां पे, लेकिन वहां पे एसी कमरा हो, बैठने की फैसिलिटीज बढ़िया हो, वहां पे बच्चों को भेजने, तो उसमें सरकार की गलती नहीं, माँ बाप की गलती है, तो जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसकी गलती है। इतनी सारी गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, इतनी सारी यूनिवर्सिटी की भी बहुत कोई कमी नहीं है, कोई कहीं पे भी कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमें फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, तो सब कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे दोनों हाथ जो होते हैं ना, कभी कभार आप देख लीजिएगा हमारे हाथ की जो उंगलियां है ना वो भी एक समान नहीं होती, वो ऐसे मैंने कोई किसी का हाथ नहीं देखा कि एक समान उंगली हो, ठीक है, बड़ी छोटी ऐसे सबकी उंगली होती, तो सब कुछ एक समान नहीं होता है। और एजुकेशन में टैक्स प्राइवेट सेक्टर में लगाना बहुत जरूरी है, मैं तो यही कहूंगा और ज्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को पढ़ाना जो पेरेंट्स है वो कम करे, और सरकार में जो फैसिलिटीज मिल रही है वो फैसिलिटी का यूज करे, क्योंकि हम ही छोड़ देंगे तो फिर सरकार वैसे भी ध्यान नहीं देने वाली, सरकार बोलने ही वाली कि भाई आपको तो पढ़ने किसी को आना नहीं है तो सरकार क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करे, तो ये होने ही वाला है, लेकिन नहीं, ये आप मैडम जो थी, सॉरी दोस्तों वीडियो लंबा और हो जाएगा, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।